जय भीम साथियों, अयोध्या जिले के माझा बरहता गांव के दलित ओबीसी किसान योगी सरकार के भव्य राम मूर्ति के लिए हो रहे भूमि अधिग्रहण के विरोध में उतर आए हैं। कैरावान की एक खास रिपोर्ट के मुताबिक ये किसान राम मंदिर के बनने से तो खुश थे, पर निराशा तब हाथ आई जब इन्हें पता लगा कि जो अलग से दुनिया की सबसे बड़ी कही जाने वाली राम मूर्ति बनने वाली है, उसके लिए इनके गांव की 86 हेक्टेयर जमीन ली जाएगी। रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी 2020 की सरकारी अधिसूचना में लिखा था कि भूमि स्थानीय निवासियों के साथ आपसी समझ से ली जाएगी, पर इन किसानों का कहना है कि उन्हें सरकार के द्वारा कोई दस्तावेज नहीं दिया गया और इसलिए उनकी उलझन और बढ़ गई है। माझा बरहता गांव बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि साइट से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। स्थानीय निवासी अरविंद कुमार यादव ने अलाहाबाद हाईकोर्ट में इसके खिलाफ अर्जी दायर करी है। उनका कहना है कि इस भूमि अधिग्रहण से हजार गरीब पिछड़ी जाति के किसान परिवारों को तकलीफ होगी। उन्होंने कहा, जब राम का एक भव्य मंदिर अब बनाया ही जा रहा है तो इस प्रतिमा की क्या आवश्यकता है? क्या किसानों को उनके काम से निकालना ठीक है? हम जल समाधि तक करेंगे राम की तरह, लेकिन अपनी जमीन नहीं देंगे। हमें मकान के बदले मकान दिया जाए, जमीन के बदले जमीन दी जाए, और जो निवासी भूमिहीन है उन्हें नौकरी मिलनी चाहिए। याचिका पर अलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले साल जनवरी में ही राज्य सरकार को आदेश दिया था कि 2013 के भूमि अधिग्रहण अधिनियम के अंतर्गत काम करें, पर पिछले साल फरवरी और सितंबर में विरोध प्रदर्शन करने पर स्थानीय प्रशासन ने अरविंद और कई सारे निवासियों के खिलाफ FIR तक दर्ज करा दी थी। और कहीं ना कहीं उनका कहना है कि स्थानीय प्रशासन ने उन्हें मारने तक की धमकी दी, ऐसा उनका कहना है। दलित समाज के कई सारे लोगों ने बताया कि ये भूमि उनके पास 1950 के दशक के भूदान आंदोलन से है। भूमि का पत्ता उन्हें इंदिरा गांधी सरकार के समय 1970 के दशक में मिला था। निवासी रामजीत गौतम का कहना है, इस सरकार को लगता है कि दलित कुछ नहीं कर पाएंगे, इन्हें ये भूमि मुफ्त में चाहिए, सवर्णों की सरकार है ये। अपनी भूमि का पत्ता दिखाते हुए विमला देवी ने कहा कि योगी आदित्यनाथ के बच्चे नहीं है ना, इसलिए वह इस पत्ते का मूल्य नहीं समझते। संजय कुमार यादव ने कहा कि सरकार को पहले किसान के असली मुद्दे सुलझाने चाहिए। कई समस्याएं हैं जिसका सामना पिछड़ी जातियों और किसानों को करना पड़ता है। किसानों को गन्ने का भुगतान वर्षों बाद मिलता है। अनारा देवी यादव ने ये तक कहा कि हमारे गांव में कोई नाली नहीं बनाई है, आज तक कोई बल्ब नहीं लगाया गया है, इस सरकार ने हमारे लिए कुछ नहीं किया है। निवासियों का कहना है कि यदि प्रशासन भूमि चाहता है तो उसे पहले संतों और उनके भक्तों की जो हजारों एकड़ गैर कृषि भूमि है अयोध्या में, उसे लेना चाहिए। अयोध्या में बहुत से मठ हैं जिनके पास काफी ज्यादा भूमि है। बेहद परेशान निवासियों का कहना है कि स्थानीय प्रशासन ने केवल उन्हें दुविधा में डाला हुआ है, वह ढंग से बात भी नहीं करते लोगों से। हमें बेघर करके क्या विकास और पर्यटन लाएंगे मोदी और योगी, हम मर जाएंगे पर अपना घर नहीं छोड़ेंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए साथियों, ज़्यादा ज़्यादा लोगों तक इसके बारे में पहुंचाइए पूरे देश भर में कि कैसे मंदिर मूर्ति के चलते लोगों को बेघर किया जा रहा है, हजारों लोगों की ज़मीन छीनी जा रही है, और ख़ासकर दलित बहुजन समाज की जो ज़मीन छीनी जा रही है, जो भी थोड़ी सी है वो भी छीन रही है ये सरकार। तो इसके बारे में ज़्यादा बात फैलाइए ताकि इस पर भी एक आंदोलन, इस पर भी विरोध प्रतिरोध जताया जा सके। और आप चाहते हैं तो वीडियो शेयर के साथ हमारा चैनल भी सब्सक्राइब ज़रूर करिए। हम ट्विटर और फेसबुक पर भी काफ़ी एक्टिव हैं, तो दशूद्र को आप ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। जय भीम साथियों।